हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है अपने बाइटमिनो यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको सीएपल बल्ब से एक एम्पलीफायर बना के दिखाऊंगा। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना और थोड़ा सा भी स्किप मत करना। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको तुरंत ही दिखनी मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है फ्रेंड्स हमारे सीएपल बल्ब की किट। यहाँ पर इसमें दो आईसी निकलती हैं, तो यहाँ पर मैंने एक को निकाल लिया है, यहाँ पर एक यहाँ पर लगी हुई है, देख सकते हैं। तो इस आईसी का जो नंबर है वो आप देख सकते हैं, 13003 नंबर की जो आईसी है, ट्रांजिस्टर है। आप इसे आईसी ट्रांजिस्टर कुछ भी बोल सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें एक 1K की रेजिस्टेंस लेनी होगी और एक 25 वोल्ट अंडर यूएफ का कैपेसिटर लेना होगा। इसके बाद एक ईयरफोन जैक लेना होगा। तो यहाँ पर हमारी जो रेजिस्टेंस है उसे हमें आईसी के पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 पे इसे कनेक्ट कर देना होगा। सो इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो 100 यूएफ वाला कैपेसिटर है उसका हमें प्लस पॉइंट इस आईसी के पिन नंबर 1 पे जोड़ देना होगा। आप इसे आईसी ट्रांजिस्टर कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ पे मैं इसे आईसी बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका प्लस पॉइंट कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने ईयरफोन जैक ले लिया है और ईयरफोन जैक के जो रेड और जो कि गोल्डन कलर का वायर होता है वो मैंने इसके कैपेसिटर के प्लस वाले माइनस वाले पॉइंट में जोड़ दिया है। और यहाँ पे इसके जो दो पॉइंट बचे हुए हैं उन्हें हम यहाँ पे जो आईसी ट्रांजिस्टर है हमारी इसके हम पिन नंबर 3 पे जोड़ देंगे कुछ इस तरीके से। तो इसे बजाने के लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक 2 इंची का 2.5 इंची का जो कि एक स्पीकर होता है उसे ले रहा हूँ। यहाँ पे इसके जो वायर हैं वो मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए एक वायर मैंने इससे कनेक्ट कर दिया है, एक वायर इससे हम कनेक्ट कर देंगे। तो स्पीकर के कनेक्शन हमें कुछ इस तरीके से करनी है। यहाँ पर हमारी जो ट्रांजिस्टर है आईसी है इसके हमारे जो पिन नंबर बीच वाली जो है जो कि पिन नंबर 2 है इस पर हमें इसे कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हैं एक वायर मैंने इसका कनेक्ट कर दिया है, एक वायर को हमें खाली छोड़ देना होगा। और यहाँ पे एक वायर हम एक्स्ट्रा वायर ले लेंगे और इस ट्रांजिस्टर के पिन नंबर 3 पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए फाइनली इसकी जो कम्प्लीट वायरिंग है वो हो चुकी है। अभी मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूँगा। यहाँ पर देखिए इस स्पीकर में से एक पॉइंट निकाला है हमने, वो वाला प्लस वाला है, और इस ट्रांजिस्टर में से 3 नंबर की पिन से निकाला है वो हमारा माइनस वाला है। चलिए इसमें बैटरी कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो एम्पलीफायर है वो वर्क करता है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए हर एक वीडियो आपके लिए नई नई लाता रहूं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।